वैसे शेव कराई सी मुछानू भी वधाया सी देश दी आजादी लई देश दी आजादी लई ओने की करया सी दादा नाल ही मरया यो तो हार्ट अटैक नाल मरया पंजाब केसरी ते आजादी दी जंग दे महान नायक लाला लाजपत राय लई पंजाब गायक बब्बू मान वलो लंदन विचो एक स्टेज शो दौरान एतराज योग शब्द दा प्रयोग किया गया जिस दा हर पासे विरोध किया जा रहा है। बब्बू मान नेता लाला जी दी शहादत ते सवाल चुक दिते ने। पंजाब केसरी दा मान हासिल है शहादत दी दुनिया विच लाला लाजपत राय जी नू भारत नू अंग्रेजी बेड़ियां तो आजाद कराउण विच उहनां दा वडमुल्ला योगदान भुलाया नहीं जा सकदा। नमन करता है अज भी हर भारतवासी उन्हां दी शहादत नू याद करके पर की कोई अजिहा भी है जो उन्हां दे खिलाफ बोल सकता है। जी ए हिमाकत कीती है पंजाबी गायक बब्बू मान ने। बब्बू मान ने पिछले दिन इंग्लैंड विच पंजाब केसरी लाला लाजपत राय दी शहादत दी जिस तरह खिल्ली उड़ाई। इंग्लैंड विच अपनी एक पेशकारी विच बब्बू मान ने लाला लाजपत राय लई एतराज योग शब्द दा इस्तेमाल किया जिस ते हुण बखेड़ा खड़ा हो गया है। मान ने आजादी दी जंग विच शहीद लाला जी दे योगदान ते सवाल चुके ने। वैसे शेव कराई सी मुछां नूं भी वधाया सी देश दी आजादी लई ओने की करया सी दादा नाल ही मरया यो तो हार्ट अटैक नाल मरया सी। सुनिया तुसी मान ने अपने गाने विच कहा कि देश दी आजादी लई लाला जी ने करया ही की सी डांगा नाल नहीं मरे ओ ता हार्ट अटैक नाल मरे सन। अजेही शब्दावली नू कोई देश प्रेमी बर्दाश्त नहीं करेगा। इतिहास गवाह के बारे में हम जो सुनते हैं वो कि वो पंजाब केसरी थे 30 अक्टूबर 1928 को उनके ऊपर हमला हुआ था लाहौर के लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने और 17 नवंबर को उनकी डेथ होती है। तो ये कहना कि लाठी के हमले के कारण उनकी डेथ हुई थी ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात होगी। हाँ पर यदि हम इस तरह की संकीर्ण भावना से चीजों को देखना शुरू कर दे तो एक बात जो पक्की समझ में आती है कि लाला लाजपत राय तो शायद पंजाब के भी नहीं थे। लाला लाजपत राय रोहतक में उन्होंने प्रैक्टिस किया हिसार में प्रैक्टिस किया चुनाव जीत के लाहौर जब पहुंचे थे तो चुनाव जीतने के बाद पहुंचे थे। आर्य समाज में उनका बड़ा योगदान रहा था उन्होंने लोगों को बहुत यूथ को विशेषकर काफी अट्रैक्ट किया।